2 BHK 3 BHK फ्लैट देख रहे हो मीरा रोड लोकेशन में, और बड़े कार्पेटेरिया, स्पेशियस कार्पेटेरिया विथ अमेजिंग व्यू ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क एंड क्रीक व्यू। तो ये फ्लैट देखो, यहाँ से आपका एंट्रेंस आ जाता है। सबसे पहले किचन देखोगे, किचन में ग्रेनाइट के काउंटर टॉप्स देखोगे जिसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखता। आपका वॉशिंग मशीन के लिए आपको जगह मिल जाती है, चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से अलाइन करके मिल जाती है पूरे फ्लैट में। कार्पेटेरिया इतना स्पेशियस है कि आप हर चीज़ के लिए कुछ प्लान कर सकते हो, हर जगह के लिए थोड़ी प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो देखने को मिलता है डाइनिंग सेक्शन 6 सीटर का बनाया हुआ है, आप 8 सीटर तक का भी डाइनिंग टेबल प्लान करते हो तो ज़्यादा स्पेस में आपको फर्क पता नहीं चलेगा। एल शेप लिविंग रूम है, टाइलिंग वर्क सुप्रीम क्वालिटी का, डिज़ाइनर मिल जाता है, अच्छी चीज़ें मिल जाती है पूरे फ्लैट में। रही बात आपका ये सेक्शन, ड्राइंग सेक्शन बना सकते हो जिसमें आपका सोफा प्लान कर सकते हो, टीवी यूनिट के लिए जगह है। एंड दिस इज द थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस डेवलपर, आपके लिविंग रूम से के बालकनी में जाइए, आपको कोई बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं, आपका जो बालकनी है वो आपके लिविंग रूम के ऑलमोस्ट लेवल पे मिल जाता है, विच मेक्स इट स्पेशल। और आपका डेक वाला स्पेस मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 फीट तक का, 4 फीट तक का मिनिमम आपको डेक एरिया देखने को मिलेगा। ये आपका बालकनी सेक्शन मिल जाता है और जिसमें आपको व्यू के ऑप्शन कुछ ऐसे मिलेंगे, यहाँ पर आप जितना पोस्टर देख रहे हैं, जैसा बैनर देख रहे हैं, उस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। एंड ये आपका लिविंग रूम सेक्शन था। अगर आप आगे अपने पूरे फ्लैट में देखोगे तो पैसेज एरिया में सबसे पहले बाथरूम एंड टॉयलेट आएगा। बाथरूम एंड टॉयलेट का मैं अगर बात करूं, 3 सेक्शन में डिजाइंड है जिसमें 4 सेक्शन आ जाता है, आप सेपरेट कर सकते हैं। ये आपका कमोड सेक्शन एंड दिस इज वॉश बेसिन सेक्शन। फिटिंग फिक्सचर्स जो भी आप देखेंगे ब्रांडेड क्वालिटी के मिलेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसका भी लेंथ और जो साइज है वो काफी अच्छा मिल जाता है। ये आपका सबसे पहला कॉमन बेडरूम देखोगे। अब कॉमन बेडरूम में आपको व्यू तो ओपन मिल जाता है, आपका ये जो विंडो सेक्शन है वो आपको काफी हद तक बड़ा मिल जाता है जिसमें आपको अमेजिंग व्यू के ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड कॉमन बेडरूम की अगर मैं पूरी बात करूँ तो मूविंग स्पेस आपकी अच्छी खासी है, आपका वार्डरोब का भी सेक्शन लगाते हो तो मूविंग स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है। सो दिस वॉज योर कॉमन बेडरूम। मास्टर बेडरूम साइज में इससे भी बड़े हैं, ये आपका कॉमन बेड था। मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में भी बाथरूम एंड टॉयलेट जनरली सी द स्पेस। सो ये आपका मास्टर बाथरूम एंड टॉयलेट हो गया, ये आपका बड़ा वाला मास्टर बेडरूम हो गया। मास्टर बेडरूम कितना लेंथ में बड़ा है अंदाजा लगा सकते हो। दिस इज द स्पेस आई एम टॉकिंग अबाउट। वार्डरोब सेक्शन के लिए जगह है, आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर आप मेकअप का जो ड्रेसिंग टेबल रहता है वो प्लान कर सकते हो, वैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ पर आपका सेम बालकनी का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, एंड 4 फीट तक की बालकनी इसमें भी देखोगे, 3 से 4 फीट तक की, विच मेक्स इट स्पेशल। अब 2 BHK का सेगमेंट अगर देख रहे हो तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर आप 3 BHK का सेगमेंट देख रहे हो तो 3 BHK में थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, आपका एक और बेडरूम आ जाता है। 3 BHK में आपका कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सैम्पल फ्लैट में आपका शार सेक्शन, कमोड सेक्शन, सेम टाइलिंग वर्क, आपको फिटिंग फिक्सचर्स सारे ब्रांडेड क्वालिटी के मिल जाएंगे। दिस इज योर अनदर मास्टर बेडरूम, सी द स्पेस। ये पूरे फ्लैट में मुझे कारपेट एरिया बहुत अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा पूरा बिल्डिंग का लेआउट मैं दिखा सकता हूँ आपको, किस तरह से बिल्डिंग डिजाइंड है, कैसे आपको बना के मिलती है वो सब चेकआउट करते हैं। कैसा आपका सोसाइटी है, फ्लैट के बाद आपकी सोसाइटी दिखाते हैं। सो दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ आपके प्रोजेक्ट की, आपके सोसाइटी की, तो सोसाइटी में आपको गेटेड एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है। गेटेड एंट्रेंस 3 देखने को मिलेंगे, एंड वेंटिलेशन के मामले में हो गया, आसपास की सोसाइटीज के मामले में हो गया, कोई भी व्यू इंटरप्शन नहीं देखने को मिलेगा आपको। हर तरफ से कुछ ना कुछ व्यू ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और 40 माले के बिल्डिंग होने की वजह से व्यू अनइंटरप्टेड हो जाते हैं। आसपास में कोई भी बिल्डिंग 10 माला या फिर 8 माले से ऊपर नहीं देखने को मिलेगी, सब 4 माला, 8 माला और 10 माले तक की है। आप एंटर करोगे अपनी सोसाइटी में, जैन टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है यानी कि गणेश जी का और शिव जी का टेम्पल देखने को मिलेगा, बाकी पूरा गार्डन एरिया से कवर्ड है, आपको चारों तरफ गार्डन एरिया देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो इसे बहुत स्पेशल बनाता है, जो मुझे बहुत पसंद आती है, 35,000 स्क्वायर फीट में आपका पूरा क्लब हाउस पोडियम पे प्लान किया हुआ है, जिसमें बैंक्वेट हॉल आ जाते हैं, जिसमें आपका जिम एरिया आ जाता है, स्विमिंग पूल का सेक्शन देखोगे। और इसके अलावा थोड़ा और नीचे जाओगे, ये 2 सेगमेंट आप जो देख रहे हो रिटेल के, तो रिटेल के सेगमेंट भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप कोई कमर्शियल शॉप प्लान कर रहे हो रिटेल का,
और बड़ा कारपेट एरिया चाहते हो तो इनके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। बड़े बड़े रिटेल सेगमेंट के ऑप्शन है, आप कॉल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, वैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बाकी चार टावर का सेट होने वाला है, उसके अलावा आपका पूरा सोसाइटी का ये टूर हो गया। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो प्राइसिंग बहुत सिंपल मिल जाता है इसमें आपको। 1.23 CR से चालू होता है 2BHK के लिए। कारपेट एरिया आपका 650 टू 700 देखने को मिलेगा 2BHK में, एंड 3BHK अगर आप प्लान करें तो 1.6 के आसपास या फिर 1.55 के आसपास आपको प्राइस देखने को मिलेगा 3BHK के लिए, जिसका कारपेट एरिया अप्रॉक्सीमेटली 900 टू 1050 तक का देखने को मिलेगा। एंड काफ़ी स्पेशियस कारपेट एरिया है। जोड़ी फ्लैट के ऑप्शन देख रहे हो तो 2+2 का जोड़ी कर सकते हो, 3+3 का जोड़ी कर सकते हो, जिसमें व्यू के ऑप्शन आपको अलग अलग मिल जाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, कॉल ना। और प्राइसिंग में भी स्पेसिफिक प्राइसिंग जानना चाहते हो, कितना फाइनल प्राइस होगा, तो कॉल नाउ एंड प्लान योर विजिट अकॉर्डिंगली।